बॉलीवुड समेत हॉलीवुड में अपना जलवा बिखेरने वाली देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी बुक अनफिनिश्ड को लेकर चर्चा में है। उन्होंने इस किताब में अपने जीवन के कुछ स्पेशल मोमेंट्स और अलग अलग पहलुओं के साथ बॉलीवुड से जुड़ी कुछ बातों को भी फैंस के साथ शेयर किया है। इतना ही नहीं, अपनी बुक में पीसी ने बॉलीवुड के कई सीक्रेट्स का खुलासा भी किया है। उन्हीं में से कुछ घटनाओं के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। बुक में प्रियंका ने भारत के छोटे शहर से हॉलीवुड तक के सफर को याद किया है। उन्होंने इस किताब में फिल्म इंडस्ट्री में हुए उनके साथ कई बुरे एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। ये बुरे एक्सपीरियंस उस वक्त के हैं जब वो अपने करियर की शुरुआत में थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रियंका ने बुक में एक सॉन्ग की शूटिंग का भी जिक्र किया है। ये एक सेडक्टिव सॉन्ग था। इस गाने में उनको अपने कपड़ों को एक एक करके उतारना था, क्योंकि ये एक बड़ा सॉन्ग था। इस सॉन्ग के शूट के लिए प्रियंका ने अपने डायरेक्टर से एक्स्ट्रा बॉडी लेयर पहनने के लिए पूछा था, ताकि वो अपनी स्किन को ज्यादा ना दिखा सके। प्रियंका ने बुक में लिखा कि डायरेक्टर ने कहा कि वो अपने स्टाइलिस्ट से बात करे, तो प्रियंका ने तुरंत अपने स्टाइलिस्ट को कॉल किया और पूरी बात डिटेल में बताई और फिर फोन डायरेक्टर को दे दिया। डायरेक्टर उनके सामने ही खड़े थे। प्रियंका ने आगे लिखा, डायरेक्टर ने स्टाइलिस्ट से कहा, जो भी हो चड्डियां दिखनी चाहिए, नहीं तो लोग पिक्चर क्यों देखने आएंगे। मैंने अगले दिन वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया। मैं इस सेडक्टिव सॉन्ग के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन डायरेक्टर के वर्ड्स और उनके टोन ने मेरी अंतरात्मा को इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने आगे लिखा कि मेरा फैसला डायरेक्टर को भी भारी पड़ गया था। मैं किसी और फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तभी वो डायरेक्टर उस सेट पर मुझसे मिलने आए। वो काफी परेशान थे। इतना ही नहीं, उस वक्त उनके को-स्टार सलमान खान को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा ने एक और बात का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक डायरेक्टर ने उन्हें ब्रेस्ट और बट सर्जरी करवाने की हिदायत दी थी। जी हाँ, प्रियंका ने कहा कि एक डायरेक्टर ने उन्हें प्लास्टिक सर्जरी कराने की सलाह दी थी। उन्होंने बताया कि मैं उनसे काम के सिलसिले को लेकर मिलने पहुंची थी। थोड़ी बातचीत के बाद उन्होंने मुझे खड़े होकर अपने आप को घूम कर दिखाने को कहा। मैंने वैसा किया। उन्होंने मुझे काफी देर तक घूरा और कहा कि अगर एक्ट्रेस बनना चाहती हो तो अपने शरीर की बनावट को चेंज करो और अपने शरीर के कुछ हिस्सों की प्लास्टिक सर्जरी करवाओ। उन्होंने मुझे मेरे ब्रेस्ट, जॉ और बट की सर्जरी कराने को कहा। प्रियंका चोपड़ा ने आगे बताया कि उनके मैनेजर ने भी डायरेक्टर की इस बात पर हाँ में हाँ मिलाई, जिसके बाद प्रियंका ने अपने मैनेजर से भी रास्ता अलग कर दिया था। इसके अलावा बुक में प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति निक जोनस के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर भी कई बातें बताई। निक जोनस के बीच उम्र के फर्क में बात करते हुए प्रियंका ने कहा, निक के साथ उनका रिश्ता एडवेंचर वाला चल रहा है। एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझा है। उन्होंने आगे कहा कि निक और उनके बीच उम्र को लेकर कभी किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। इस बुक में प्रियंका ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी भी कई बातों को शेयर किया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अपने राय और अपने सुझाव आप कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।